गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्षत्रियों पर उनकी टिप्पणी से शुरू हुए विवाद को दो हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बीजेपी ने मामले का खात्मा करने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन क्षत्रिय संगठन मांग कर रहे हैं कि रूपाला की उम्मीदवारी वापस ली जाए। अब ये विरोध गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों में भी अपना असर दिखा रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। रूपाला का पुतला दहन भी हुआ। राजपूत महिलाओं में रूपाला के बयान को लेकर खास नाराजगी है, जो भोपाल में भी देखने को मिली है। मांग एक ही है, बीजेपी रूपाला की उम्मीदवारी वापस ले। यही मांग महिपाल सिंह मकराना ने भी की थी। और किसी की गलतफहमी हो या कोई मुगालते में हो कि हमारा तो नाम का डंका चलता है, तो वो हमारे कारण से चलता है। हम लोगों ने अब की बार मोदी सरकार हमने नारे दिए, और अगर हमारी बहन बेटी के चरित्र पर कोई अगर उंगली उठाएगा, उसको कोई दागदार करने की कोशिश करेगा, तो वो नारे बदलने हमें भी आते हैं, कमल का फूल हमारी भूल बोलना भी आता है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख खुद पुरुषोत्तम रूपाला भी तीन बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय संगठन अड़े हुए हैं कि रूपाला का टिकट नहीं काटा तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। रूपाला ने दलित समाज की एक जनसभा में कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजाओं ने भी अपने सिर झुका दिए थे और उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बना लिए थे, लेकिन दलित रूखी समाज ने अपना सिर नहीं झुकाया। इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। यही वो बात थी जिसने सनातन धर्म को जीवित रखा। रूपाला का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षत्रिय समाज के लोग मैदान में उतर आए। गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में क्षत्रियों की बड़ी आबादी है। देश की आजादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से ज्यादा छोटे बड़े राजघराने थे। हमें अभी मोदी के खिलाफ कुछ हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं अभी भी नारा दे रहे, मोदी तिर से बेरनीर, रूपाला तेरी खेर नहीं। पर वो मोदी जी को बड़ा दिल रखना है हमें नहीं। हमने तय कर लिया आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये मोदी जी को, अमित शाह जी को बड़ा दिल रखना है कि क्षत्रिय समाज को अगर उनको सम्मान देना है तो रूपाला का टिकट काटा जाए, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार है, हम भी तैयार, तुम भी तैयार हो जाओ। दरअसल बीजेपी की चिंता ये है कि गुजरात में क्षत्रिय समाज पार्टी का स्थायी वोटर रहा है। क्षत्रिय संगठनों ने कहा है कि रूपाला का टिकट न काटे जाने पर वो घर घर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की मुहिम चलाएंगे। गुजरात से बाहर रूपाला का छोटा बड़ा विरोध मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी हुआ है। हालांकि बीजेपी ने रूपाला का टिकट काटने जैसा कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूपाला खुद गुजरात के प्रभावशाली पटेल समुदाय से आते हैं और सौराष्ट्र में पटेल और क्षत्रिय समुदाय के बीच जातीय तनाव के हालात रहे हैं। 1988 में एक पटेल विधायक की क्षत्रिय समाज से आने वाले एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी साल कैबिनेट मंत्री वल्लभ भाई पटेल की हत्या में भी क्षत्रिय समाज के एक व्यक्ति का नाम सामने आया था और जातीय तनाव के हालात बने थे। गुजरात में पटेल और पाटीदार समाज की आबादी लगभग 20% है, जबकि क्षत्रिय समाज की आबादी 5% है। हालांकि क्षत्रिय समाज का दावा है कि उनकी आबादी 8% है। रूपाला के पक्ष में पटेल समाज भी लामबंद हो गया है। लिहाजा बीजेपी रूपाला की टिकट वापसी का फैसला लेती है तो उसे पटेल समाज की नाराजगी मोल लेनी होगी। यानी ये हालात बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले हैं। इधर रूपाला नामांकन दाखिल करने वाले हैं और क्षत्रिय समाज भी 14 अप्रैल को रूपाला के खिलाफ राजकोट में ही सम्मेलन करने जा रहा है। ऐसे में फिलहाल मामले का समाधान होना मुश्किल नजर आ रहा है। चुनाव आज तक।